दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बिहार बोर्ड मैट्रिक का स्क्रूटनी का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे। जो लोग अपने मार्क्स से असंतुष्ट है, मतलब उनको लग रहा है कि मैथ में हमारा इतना नंबर आना चाहिए लेकिन इतना नंबर आया है, या वो फेल हो चुके हैं दो चार अंकों के वजह से, किसी एक सब्जेक्ट में दो अंक कम आ गया जिसकी वजह से वो फेल हो गए हैं, या चार पांच अंक से या दस अंक से, या उनका ग्रेड कम हो चुका है, जैसे वो फर्स्ट डिवीजन आने वाले थे तीन अंकों से डाउन हो गया है, तो आप अगर लगता है कि हम असंतुष्ट है अपने मार्कशीट से, तो आप रिजांच के लिए यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार बोर्ड यहाँ पे ऑनलाइन के लिए पोर्टल तैयार कर दिया है। तो कैसे आपको आवेदन करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल वाले बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी दबाएं ताकि मैं जो भी इस तरह के वीडियो लाऊं सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको आ जाना है इस ऑफिशियली वेबसाइट पे। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारे सेक्शंस बने हुए हैं। इस पे आने के लिए आपको करना क्या होगा, देखिए हम आपको रूट बता देते हैं कि किस प्रकार से आप इस वेबसाइट पे आएंगे। सबसे पहले तो आपको आना होगा बिहार बोर्ड ऑनलाइन डॉट कॉम की ऑफिशियली वेबसाइट पे। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। कुछ इस प्रकार से ये वेबसाइट है, जिसे कि नोटिफिकेशन में भी बताया गया था कि बिहार बोर्ड ऑनलाइन डॉट कॉम पे आपको ये फॉर्म भरा जाएगा। तो आपको इसी वेबसाइट पे आना है और यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पे महत्वपूर्ण यहाँ पे देख सकते हैं लिंक है जो मैट्रिक माध्यमिक यानी सेक्शन में यहाँ पे दिया हुआ है, आरटीआई रजिस्ट्रेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2020 स्टूडेंट ओनली। इस पे आपको क्लिक कर देना है सिंपली। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं इस प्रकार से आपको एक इंटरफेस खुल के आ जाएगा जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे डेट बताया गया है कि कब से कब तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे 29 मई यानी आज से लेकर आप 12/6 यानी 12 जून 2020 तक आप इसका ऑनलाइन आवेदन आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन ये फॉर्म ओपन हुआ, इसी तरह से आप यहाँ पे सब चीज चूजन है, ये तीन ऊपर वाला बॉक्स ऑलरेडी चूजन है। आपको यहाँ पे रोल कोड अपना लिखना है, रोल कोड आपको पता होगा भली भांति। उसके बाद रोल नंबर आपको यहाँ पे लिखना है और डेट ऑफ बर्थ जो आपका होगा, यहाँ क्लिक करेंगे तो एक कैलेंडर ओपन हो जाएगा। आप अपना यहाँ पे डेट ऑफ जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे चूज कर लेंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपको यहां से कैलेंडर से अपना डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेना है। चूज करने के बाद से आप अपना नाम लिखना है, जो भी आपके मार्कशीट पे या जो आपका एडमिट कार्ड है जो स्पेलिंग लिखा हुआ है सेम वही स्पेलिंग के साथ अपना नाम लिखेंगे। और यहाँ पे आपको एक यूजर नेम क्रिएट करना है, जो भी आप कुछ भी आपका यूजर नेम हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका नाम अरुण है तो आप ARUN123 ऐसे करके आप अपना यूजर नेम एक क्रिएट कर सकते हैं जो आपको याद रहे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बताया कि यूजर नेम लेंथ 8 से 20 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे मात्र 6 अंक का ही यहाँ पे 7 अंक का डाला है, जिसको मैं यहाँ पे बढ़ा लूंगा तो यहाँ पे 5-6 भी कर सकते हैं आप। इस प्रकार से देखिए अब ये वैलिड हो गया। तो जो भी यहाँ पे एरर आ रहा था वो हमने यहाँ पे हटा दिए। अब आपको यहाँ पे पासवर्ड अपने मन से लिखना है, जो भी आपका मतलब पासवर्ड है वो आपको याद रहे वही आपको पासवर्ड यहाँ पे लिखना है। देख सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे arun@123 इस प्रकार से आप लगा सकते हैं, या आपका जो नाम है स्टार्टिंग का नाम या कोई डिजिट रख सकते हैं। इस प्रकार से आपको अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना है जो आपको याद रहे और जब भी आप लॉगिन करना चाहें तो लॉगिन हो सके। इस प्रकार से आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जिसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ये आपका यूजर नेम हो जाएगा और जो आपने यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट किया है वो पासवर्ड हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे लॉगिन का एक ऑप्शन दिखेगा, ये लॉगिन वाले बटन पे आना है आपको। और उसके बाद से वहां पे यूजर आईडी लिखेंगे जो आपने क्रिएट किया हुआ है और इस वहां पे आप पासवर्ड लिखेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे पासवर्ड का ऑप्शन है, और लॉगिन करेंगे। जैसे आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आएगा, देख सकते हैं। लॉगिन करने के बाद से आपको सबसे पहले यहाँ पे आपका इंटरफेस इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन होकर आएगा स्टूडेंट वाला सेक्शन में। यहाँ पे आपको क्लिक करना है अप्लाई फॉर स्क्रूटनी। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से फॉर्म खुल के आ जाएगा। आपका नाम यहाँ पे, पिताजी के नाम और सारा जानकारी यहाँ पे दिखाएगा कि आपने कितना कितना नंबर पाया हुआ है पहले से, जो भी आपका मार्क्स आया हुआ है तो यहाँ पे आपको दिखाएगा। अब जिस सब्जेक्ट में आप आवेदन करना चाहते हैं यहाँ पे रेड वाले पे इधर से खींच के इधर कर लेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस प्रकार से खींच लेना है तो ये ग्रीन हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए उसके लिए आवेदन कर रहे हैं। आप चाहे तो सभी सब्जेक्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, आप चाहे तो मात्र एक सब्जेक्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे कंडीशन ये है कि एक सब्जेक्ट के लिए आपको 70 रुपए
पैसा पेमेंट करना होगा। तो अगर दो सब्जेक्ट का आवेदन करना चाहते हैं तो आपको ₹140 प्लस कुछ एडवांस फी भी वहां पर लगता है, जैसे ट्रांजेक्शन चार्ज हुआ या टैक्सेस हुआ वो लगता है। तो यहाँ पे जो भी आप विषय के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे क्या करेंगे, टिक कर लेंगे इस प्रकार से, और टिक करने के बाद से आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे मेक पेमेंट करना है। मेक पेमेंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से ग्रीन हो जाएगा जब आप टिक कर लेंगे। तो अब आपको यहाँ पे देख सकते हैं आएगा मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद से इस प्रकार से इंटरफेस। आपको यहाँ पे एटीएम कार्ड से आपको पेमेंट कर देनी है सिंपल प्रोसेस में, और जैसे आप यहाँ पे एटीएम कार्ड नंबर डालना है, कार्ड होल्डर नेम, एक्सपायरी डेट, सीवीवी नंबर होता है आपके एटीएम कार्ड पे, वो डाल के आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, और ओटीपी जैसे आप वेरीफाई करेंगे आपका पेमेंट 100% सक्सेसफुली हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स क्या होता है कि इन केस ऑफ अगर इस प्रकार से आ जाता है साइट कांट बी रीच, तो आपको यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है, इसको आपको कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद से आपको यहाँ पे आगे इसको भेजना है। देखिए फ्रेंड्स जब यहाँ पे सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर लेंगे अप्लाई कर देंगे तो इस प्रकार से आपको इंटरफेस खुल के आएगा पेमेंट सक्सेस का इस प्रकार से, तब आप समझना है कि आपका यहाँ पे 100% कंफर्म हो चुका है आवेदन, तब जाके आप यहाँ पे समझ पाएंगे कि आपका 100% आवेदन हो चुका है। अगर इस प्रकार से नहीं आता है, फेल हो जाता है किसी रीजन वश आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट स्टेटस चेक करना है आपको, और चेक करने के बाद से आपको इस मेल आईडी पे मेल करना है। जैसे आप यहाँ पे मेल करेंगे तो 24 से 48 घंटे में आपका यहाँ पे क्लियरेंस कर दिया जाएगा कि आपका पेमेंट सक्सेस है कि नहीं है। अगर गलत तरीके से हो जाता है तो वो पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है, अदरवाइज आपको दोबारा से यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ये यूजर मेनू वाला फ्रेंड्स आप यहाँ पे इसलिए दिखा दिया क्योंकि मेरे पास कोई कैंडिडेट्स नहीं है ऑनलाइन आवेदन करने का, तो यहाँ पे बिहार बोर्ड ने यहाँ पे एक यूजर मैनुअल क्रिएट किया हुआ है जिसमें बताया गया कि ऐसे ऐसे आपको पेमेंट करना है, ऐसे ऐसे रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप ये यूजर मैनुअल पढ़ना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्टली वहां क्लिक करके आसानी से इसे पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और हाँ मैंने इंटर के लिए भी यहाँ पे आवेदन करके बताया हुआ है कि कैसे इंटर वाले भी स्कूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं, अभी उसका ऑनलाइन शायद चल रहा है, आप जाके देख सकते हैं, मैं उसका लिंक आई बटन पे दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इस प्रकार से आप मैट्रिक में अगर आप असंतुष्ट है अपने मार्क्स से, मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं, रिजर्च कराना चाहते हैं अपने कॉपी को, तो इस प्रकार से आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा एक बार लाइक जरूर कीजिएगा।